उनके कहने से सब बात प्रमाणित नहीं हो जाता, वही सर्टिफिकेट देंगे हर बात का, तो ये सब लोग वही मान लेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे वही भगवान हो गए क्या? जो बातें हैं मीडिया में चली, मुख्यमंत्री जी खुद आके अपने खेत प्रकट कर चुके हैं, तो इस बात को मैं अब कोई कुछ रखा ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप लोगों के सामने विधानसभा में, विधान परिषद में, अब इसको लेकर ज़्यादा हाय तोबा मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। रही भारतीय जनता पार्टी के बोलने की बात, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक बोलते ही रहते, कितना लोग उन पर जवाब देते। प्रधानमंत्री भगवान थोड़े हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वही लोकतंत्र में सबसे, वही पार्टी अव्वल है, वो जो बोलेंगे सही होगा, वो भगवान हो गए और सब लोग किसी को दर्जा नहीं प्राप्त है क्या लोकतंत्र में? कल नीतीश, एक सवाल, एक पहले एक जवाब सुन लीजिए तब दूसरी बात करिएगा, तरीके से पूछिएगा तब ठीक है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हाँ, तो इसलिए प्रधानमंत्री, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलेंगे वही सही रहेगा क्या? और जो लोकतंत्र में इतने लोगों का कोई भूमिका नहीं है क्या? इतने लोग सेवा कर रहे हैं अपने दल के माध्यम से, तो ये कोई किन्हीं की बात का कोई वैल्यू नहीं है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं पर, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे महिला पहलवान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हो, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, जो देश के लिए मेडल जीत के लाती है, देश का मान सम्मान बढ़ाती है, उनके साथ क्या रवैया हुआ, दर्जनों घटना है। विजय वर्गीय का क्या बयान था कल जब उनके गुजरात विधानसभा में, कल जब नीतीश कुमार, आप सदन के भीतर थी, आप वहां मौजूद थी जब नीतीश कुमार बोल रहे थे, तब आप सर क्यों नहीं उठा सकी? हाँ सर, उठा हुआ था, नहीं था विधानसभा में, आप कैसे कह सकते हैं सर उठा हुआ नहीं था? आपके आप कैसे, क्यों सर, क्यों सर झुकेगा? माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को ले, महिलाओं के विकास को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर इतना काम किए हैं, इतना विकास किए हैं, ये कहने की जरूरत है क्या? और जब कोई भी बात कल हुई तो मुख्यमंत्री जी खुद जब खेद प्रकट कर चुके हैं, तो इस बात को अब घींचने से और इसको तील का तार बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आरजेडी ने महिला अंगों का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया है, इस पर क्या कहेंगे? महिला के अंगों का जिक्र करते हुए आरजेडी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में बलात्कार किए गए और उसके बाद कहा गया कि दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान पहलवानों के स्तन छुए गए और कई तरह की ऐसी बातें कही गई हैं। क्या ये सार्वजनिक स्तर पर आरजेडी के ट्वीट पर जायज है? नहीं, हम देखे नहीं हैं, इसलिए हम कोई प्रतिक्रिया उसको नहीं दे सकते। हम आरजेडी के जो कोई भी उनके नेता के द्वारा, नेत्री के द्वारा ट्वीट किया गया है, हम नहीं देखे, जब तक बिना देखे कोई चीज पर प्रतिक्रिया नहीं। क्या अगर ऐसा किया जाए तो क्या ये सही है जिस तरीके से दोनों सदन में मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उसको सही मानती है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, प्रजनन दर को लेकर जो बातें कही, अवेयरनेस को लेकर उन्होंने बातें कही थी, यदि किसी को उनके बात से आपत्ति लगी, किन्हीं के महिलाओं को या किन्हीं को पुरुष को, यदि किन्हीं को यदि उनकी बातों से भावना को ठेस पहुंची, तो कल से मीडिया में चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में, विधान परिषद में, आप सभी मीडिया साथी के सामने उन्होंने खेद प्रकट कर चुके हैं, इसलिए अब इस बात को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेंटल तक कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, नहीं उनके कहने से नहीं होगा, उनके कहने से सब बात प्रमाणित नहीं हो जाता, वही सर्टिफिकेट देंगे हर बात का, ये सब लोग वही मान लेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे वही भगवान हो गए क्या? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बिहार, अच्छा, बयान आपत्तिजनक है या नहीं, ये आप अपने निजी स्तर पर बताइए। देखिए महिलाओं कल इतनी बड़ी काम हुई, इसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते, जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आके मीडिया के सामने, विधानसभा में, विधान परिषद में खेद प्रकट कर चुके हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग हाय तवा मचा रहे। कल जो इतनी बड़ी काम हुआ, जो दलित और आदिवासी, पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जो गरीब हैं चाहे सवर्ण हो या अन्य जातियों में, जो सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण में
जो निकला है, जो आंकड़ा आया है, उसको लेकर जो उनको आगे बढ़ाने की बात है, 2 लाख रुपया देने की बात है, इन सबको लेकर वो लोग घबराए हुए हैं। इस बात को कैसे दबाया जाए, ये लोग प्रोपगंडा में लगे हुए हैं। बीजेपी की एक महिला विधायक है जो सदन के बाहर आकर रो रही थी, कह रही थी कि नीतीश कुमार ने इस तरीके का बयान दिया कि हम लोग शर्म से हमारा सर झुक गया और रोने लग गए। अब क्या बोली है नहीं बोली हमने देखे हैं, लेकिन जो बातें हैं मीडिया में चली, मुख्यमंत्री जी खुद आके अपने खेद प्रकट कर चुके हैं, तो इस बात को मैं अब कोई कुछ रखा ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप लोगों के सामने विधानसभा में, विधान परिषद में, अब इसको लेकर ज़्यादा हाय तोबा मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। रही भारतीय जनता पार्टी के बोलने की बात, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक बोलते ही रहते, कितना लोग उन पर जवाब दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।